मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 5 फरवरी 2021, आज के दिन हम जो है 7वीं कक्षा से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 17, जिसका शीर्षक है सिकंदर और पुरवा, इसका जो है हम फिर से रिवीजन के तौर पर अध्ययन कर रहे हैं। यह एक एकांकी है, एक अंक वाला, जो एक व्यक्ति जो है इसे पात्र के जरिए इस एकांकी को प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ दो महाराजाओं की बीच की जो वार्तालाप है यहाँ पर देख सकते हैं। आज उसका जो अगला भाग है उसे अध्ययन करेंगे। बहुत ही रोचक जो कहानी है यह दोनों वीरों की जो कहानी है उसे किस प्रकार यहाँ पर दर्शाया गया है, दृश्य जो बहुत ही अच्छा है वो आप देख सकते हैं। इसमें जो है पिछले वीडियो में हमने पुरु राजा को जो वीरता और देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम किस प्रकार है, उससे पहले हम सिकंदर की जो शूरवीरता है वो भी कुछ कम नहीं है। इसके लिए हमने अरस्तु और सिकंदर का दोनों का जो एक मैंने उदाहरण बताया, एक वृत्तांत बताया आपको, उसके साथ साथ जो अब जो है सिकंदर पूरे विश्व को जीतना चाहता है तो भारत में भी वह प्रवेश किया है। वहां पर पुरु राजा को उसने हरा कर बंदी बनाकर जब उसके सामने लाया जाता है, तो जो आगे बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा बहुत पूर्व पीठी का जो देखना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यवन राजा कहते हैं सिकंदर को, तो यवन का सेनापति उसे बंदी बनाकर पुरु राजा के हाथ में बेड़ियां हैं, और जब शिविर के अंदर आता है तो देखिए वीर है तो वह अपना गर्व जो हमेशा ऊपर रखता है, तो पुरु राजा कहता है यह भारत वीर का मेरा नमस्कार स्वीकार कर लो। तो वह सिकंदर आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे यह बंदी होते हुए भी वीर कहते हो। तो उस बात को पुरु राजा ने इस प्रकार उत्तर देता है कि शे सिम सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वो वन में हो या पिंजरे में हो, उसी प्रकार मेरा जय हो या पराजय, वीर तो वीर ही होता है। इस प्रकार उसने जो है उसे बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर जो है तीखे बाणों में उसका उत्तर जो है दिया। सिकंदर आगे कहता है कि अरे, और इस बातों को सुनकर वह व्यंग्य हंसता है और कहता है कि मैंने मैत्री संधि को भेजा था, तुमने उसे अस्वीकार किया है, इसका तात्पर्य क्या है, कारण क्या है। यहां तक कहानी जो है हमने इस पाठ का एकांकी का अध्ययन किया था। अब आगे जो है वह कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर देखिए वह कहता है मैत्री संधि को अस्वीकार करने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है पुरु राजा, ऐसे कारण को पूछता है। तो पुरु राजा कहता है अपने राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा। देखिए एक तो राज्य की रक्षा करना राजा या वीर वीर का लक्षण होता है, आत्मसम्मान। यदि कायरों की तरह मैत्री संधि को वह स्वीकार करता तो कायर कहलाता, आत्मसम्मान का क्या होता, वीर कहलाते हैं तो सम्मान भी रखते हैं, आत्मसम्मान भी बहुत। एक एक ऐसे भारत के राजा हैं जो आत्मसम्मान के लिए वह बलिदान भी दिया है, ऐसे महाराजा जो हैं हमारे भारत देश में ही मिलेंगे। तो जो रक्षा और आत्मरक्षा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसने स्वीकार किया, तुम मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहते हो। तो उसे उत्तर में दे कहता है कि तुम मित्रता द्वारा भारत को तोड़ना चाहते हो, एक को मित्र बनाना फिर दूसरे पर
जो है युद्ध पर जाना और उसे हराना, ऐसे वह जो इस तरह तुम भारत को तोड़ना चाहते हो, ऐसे पुर्राजा सिकंदर को कहता है। उसके सामने बंदी होकर भी ऐसे बातें कह रहा है सिकंदर। तुम्हारा वचन सत्य के विरुद्ध है। सत्य के विरुद्ध यानी तुम्हारा जो बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, झूठ है। यहाँ राजा लोग आपस में द्वेष करते हैं। देखिए, विदेशी राजा हो, विदेशियों को इतना ही पता है कि भारत में जो है ये दूसरों से विरोध करते हैं, राजा महाराजाओं में झगड़ा है, इसीलिए यहाँ पर उसे यह कथन जो है झूठ लगता है। और वह कहता है राजा लोगों में आपस में द्वेष यानी विरोध, घृणा है, ऐसे कहता है। तब पुरु राजा कहता है, यह आपका विचार होगा, यह जो है आपका विचार होगा यानी तुम्हारी जो यह सोच होगी। बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप, बाहरी शक्ति यानी जो सिकंदर जो आया है अन्य देश से आया है, तो बाहरी शक्ति हो गई उसकी हस्तक्षेप। हस्तक्षेप यानी यहाँ पर क्या होगा, जो दखल अंदाजी करना दूसरों के विषय पर। आजकल यह ज्यादा दिखता है, दूसरों के जो है हस्तक्षेप करना विषय में, किसी भी भारतीय के लिए असहनीय है। यदि विदेशी कोई आएगा, शक्ति, बाहरी शक्ति, और हस्तक्षेप करेगा, तो भारतीय के लिए यह जो है असहनीय है, सहन नहीं कर सकते। यवन राजा बहुत ही उद्गार वाचक में ऐसे जो भारतीय ऐसे असहनीय असहनीय को हम स्वीकार नहीं करते हैं यवन राजा करके ऐसे, तो भारत की एकता सुदृढ़ है, सुदृढ़ है यानी भारती की जो जो एकता जो है सुदृढ़ यानी दृढ़ता पूर्वक है, जो है अडिग है, ऐसे राजा शौरवीर में उद्गार वाचक में कहता है सिकंदर। मतलब मेरी भारत विजय कठिन है? तो उसे पूछता है सिकंदर, जो इतना महान राजा है वो भी, वो कहता है इसका मतलब जो है, इसका जो तात्पर्य है, मेरी भारत विजय कठिन है यानी भारत को वह जीतने आया था वह कठिन मुश्किल है, ऐसे पूछता है, उसे प्रश्न पूछता है पुर राजा। कठिन ही नहीं, असंभव है। देखिए वो भी कहता है कठिन ही नहीं यानी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, असंभव है। आगे देखिए किस प्रकार सिकंदर कहता है क्रोध के साथ, हे दंभी, दंभी का अर्थ होता है घमंडी, पाखंडी, घमंड करते हैं ना उसे, तो ए दंभी यानी घमंडी, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो? देखिए कुछ कुछ लोग होते हैं जो महान व्यक्ति को देखकर डर जाते हैं, लेकिन वह कहता है कि ए घमंडी, ए रे दंभी, क्या तुम नहीं जानते हो तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो और ऐसे कह रहे हो? तो यहां पर आगे जो है मित्र बन जाते हैं, वह दृश्यमय जो है दिखाया गया है, लेकिन बाद में आपको इसका समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम। पुरु राजा उस समय कहता है जानता हूं, देखिए वो भी जानता हूं कहता है, किंतु सत्य तो सत्य ही है, सत्य तो सत्य ही है, तुम कैसे भी हो, भले ही विश्व विजयी हो, लेकिन सत्य, भारत को जीतना जो है असंभव है, सत्य तो सत्य ही है। यवन राजा कहता है फिर से, हम भारतीयों के लिए जननी, जन्मभूमि मिच्छ, स्वर्गाधिपति गरयसी, यानी इसका अर्थ है जननी जन्मभूमि मिच्छ स्वर्गादपि गरयसी, इसका अर्थ है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, यानी भारतीयों के संस्कृति ऐसी है, एक तो जन्मभूमि और दूसरा है जननी, जननी यानी जो भारत माता है,
और जन्म यानी जो जन्म भूमि, एक तो जननी और जन्म भूमि दोनों एक ही हैं, तो इस जननी में, इस धरती पर जो है मेरा जन्म हुआ है, वही मेरे लिए क्या है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। स्वर्गाधिपति गरीयसी, गरीयसी नहीं, ज्यादा श्रेष्ठ, स्वर्ग से भी मुझे ज्यादा है। इस जन्मभूमि में मैंने जन्म लिया है तो समझो कि स्वर्ग से भी यह मेरे लिए श्रेष्ठ है, ज्यादा है, बहुत ही उससे भी महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे कैसे शब्द यहाँ पर जो है, वाक्य जो है, एक सिकंदर के सामने पुरु राजा कह रहा है कि यह जननी जो जन्मभूमि है, यह जन्म दिया है यह भूमि ने मुझे, यह स्वर्ग से भी मुझे बढ़कर है। तो सिकंदर कुछ सोचकर, अभी सोच में पड़ गए सिकंदर, पुरु राजा तुम हमारे बंदी हो, तुम तो हमारे क्या हो, बंदी हो, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो बंदी है तो वह फिर से सिकंदर सोचकर कहता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यानी बर्ताव होना चाहिए, ऐसे पूछता है। तो सिकंदर कहने पर जो पुर राजा कहता है, जो एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है, एक वीर जो दूसरे वीर के प्रति करता है, वीर है तो दूसरे वीर है तो उसे सम्मानित करना पड़ता है, उसे गले आलिंगन करना है क्योंकि वो भी शूर है। तो उसमें कहता है कि एक वीर दूसरे वीर को वीर के प्रति करता है, जो दूसरे वीर यानी कैसे तुम्हारे साथ व्यवहार या बर्ताव करूं, तो वीर जो दूसरे वीर के प्रति करता है, वैसे सिकंदर उस समय सिकंदर पुरुरावा के वीर भाव से हर्षित होकर, यानी उससे प्रभावित होकर, पुरु राजा की वीरता को देकर, ठीक है वीर, देखिए उद्गार वाचक में कहता है ठीक है वीर, निश्चय ही तुम वीर हो। देखिए उसके मुंह से, सिकंदर इतने बड़े साम्राज्य हैं, विश्व विजयी करने वाले सिकंदर भी कह रहे हैं कि तुम वीर हो। पुरुराज को देखिए, भारत की जो वह अपने हारते हुए भी जीतने की जो उम्मीद है वो जग गई, क्योंकि वह राष्ट्र प्रेम के बारे में, अपने जन्मभूमि के बारे में, अपने प्राणों को भी निछावर करने के लिए जो है वह पुरुराजा तैयार है। यह सब देखकर सिकंदर बहुत ही वीरता को देखकर प्रभावित हुआ। तुम वीर हो, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि जो इस भूमि पर तुम जन्मे हो। सेनापति को देखकर, जो सिकंदर है वह सेनापति को देखता है और कहता है सेनापति, देखिए उसे कहता है कि तुम तो सही हो, वीर ही हो तुम, और धन्य है तुम्हारी यह मातृभूमि जो तुम्हें जन्म दे दिया है। वह सेनापति को देखते हुए कहता है सेनापति, सेनापति वहां पर आता है और सम्राट, ठीक है। तो उस समय सिकंदर कहता है वीर पुरुराज की बेड़ियां खोल दो, जो बेड़ियां लगाई गई थी वह खोल दो। वीर पुरुराजा, वीर पुरुराजा, देखे पुरुराजा को पहले घमंडी कहता था, अभी वीर पुरुराजा कहता है सिकंदर, आज से हम मित्र हैं, आज से हम क्या हैं, मित्र हैं, यानी दोस्त हैं। सिकंदर पुरुराजा का आलिंगन करता है, जो दृश्य यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए यही जो राष्ट्र प्रेम है, पुरुराजा शूरवीर है, दूसरे वीर के सामने जब वह बंदी होकर भी जाता है तो वीरता की बात करता है, अपनी मातृभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहता है। देखिए अपने राष्ट्र प्रेम को दिखा रहा है। एक तो वहां पर वह समझाता सिकंदर की यहाँ पर आपसी राजाओं में द्वेष है, लेकिन पुरुराजा कहता है यहाँ पर आपसी द्वेष नहीं है, सभी एकता का जो बल है पुरुराजा प्रदर्शित करता है। इससे यह सभी बातों से प्रभावित होकर सिकंदर उनके बेड़ियों को खोलकर अपने मित्र के भांति उनको गले लगाता है। यह एक भारतीय वीर और पुरुराजा जो राजा है, वीरों के वीर, वह सिकंदर जो विश्व विजय, विश्व को विजय यानी
जीतना चाहते थे उन्हें भी नतमस्तक कर दिया। उनकी वीरता के आगे उन्हें भी जो है नतमस्तक होना पड़ा। इस तरह आज हमने जो है 17वां पाठ के अंतर्गत सिकंदर और पुरुरवा का विस्तृत जो अध्ययन है हमने किया। मैं आशा करता हूं कि जब भी आप जो है जैसे ही कोरोना वायरस का जो तांडव है कम हो जाएगा आप स्कूल को आएंगे तो इस जो एकांकी है जितने भी पात्र हैं उसे आपके जरिए इस एकांकी को मैं प्रदर्शित करूंगा अपने क्लासों में। इसे एक बार आप रिहर्सल कर लीजिए तो मुझे भी इस पाठ को पढ़ाने में भी बहुत ही आनंदित होगा। आप भी इसे अवगत करेंगे यह मेरी आशा है। और इस तरह आज हमने एक शूरवीर दो शूरवीर की जो कहानी है यहाँ पर जो उसमें भी बहुत वीरों के वीर जो पुरुराजा की राष्ट्र प्रेम एकता का भाव इसके अंतर हमने देखने को मिला। इस तरह आज हमने 17वां पाठ का विस्तृत जो है अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।